तो न्यू यूनिट है हमारा, नया यूनिट हम चालू कर रहे हैं, कौन सा है? कार्बन कंपाउंड। तो ऑलरेडी कुछ हम कार्बन कंपाउंड्स के बारे में लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, पिछले साल भी नाइन्थ क्लास में भी कार्बन कंपाउंड्स के बारे में इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है। तो दो टाइप के कंपाउंड होते हैं, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। तो जनरली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड में फर्क क्या होता है? तो देखो, जनरली हमारे जो डेली लाइफ में, डेली यूज में हम मैक्सिमम जो चीजें यूज करते हैं, जो फूड स्टफ यूज करते हैं, पेपर यूज करते हैं, फाइबर्स यूज करते हैं, ये सब किससे बने होते हैं? कार्बन से बने। इनमें मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है, मेन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन सा है? कार्बन और हाइड्रोजन होता है। तो जो भी कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स है, या जो कंपाउंड में कार्बन मैक्सिमम मेन कंस्टिट्यूएंट का कार्बन होता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। आगे देन में दो टाइप के कंपाउंड होते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आगे देन में तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ऐसे कंपाउंड जिसमें मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है? कार्बन होता है, उसके साथ हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन मेन कंस्टिट्यूएंट कार्बन होता है। तो ये कार्बन वाले जो कंपाउंड्स होते हैं इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के जो ऑक्साइड है वो सॉल्ट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, सॉल्ट होते हैं कार्बन के, कार्बन नाइट्रेट और कार्बाइड सॉल्ट, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, ठीक है। सो कार्बाइड सॉल्ट, कार्बोनेट सॉल्ट एंड बाइकार्बोनेट, ये छोड़ के, और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये चीजें छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे जो कार्बन के कंपाउंड है वो किसमें आते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो गए? ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन ना हो, ये छोड़ के, ये इनऑर्गेनिक में आते, कौन से? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बाइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, जो सॉल्ट, ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आते। और इसके अलावा जो भी कार्बन के कंपाउंड वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो मैक्सिमम जो चीजें हमारे घर में यूज होती है, सारी चीजें ग्लास की चीजें छोड़ के, सॉइल मतलब मिट्टी की चीजें छोड़ के और मेटल्स की चीजें छोड़, ठीक है, मेटल्स, सॉइल और ग्लास, इनसे बनी चीज अगर छोड़ दी जाए तो बाकी जो भी चीजें हम घर में यूज करते हैं, प्लास्टिक से लेकर सारी चीजें, वो किससे बनी है? कार्बन के कंपाउंड से बने, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने, ठीक है। अगर देन में इवन ए पेन जो ये प्लास्टिक से बना हुआ है, ठीक है, तो प्लास्टिक भी क्या है? कार्बन का ही कंपाउंड। ये जो टेबल है ये लकड़ी होती है, वुड, वुड भी क्या है? वुड इज अ, वुड कहां से मिला हमें? लिविंग थिंग से मिला, ठीक है, पेड़ से, ट्री, ट्री क्या है? लिविंग है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें तो ये होता ही है, उसमें सारे कंपाउंड जो होते हैं कार्बन की कंपाउंड होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है जो हम लेते हैं फूड में, उससे ग्लूकोज बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो कार्बन कंपाउंड, ग्लूकोज इज ऑल्सो कार्बन कंपाउंड, प्रोटीन ऑल्सो सारे कार्बन की कंपाउंड हम जो लेते हैं उसमें। आगे देन में अब देखेंगे जो कार्बन के कंपाउंड है, मतलब मेन कंस्टिट्यूएंट कार्बन है, कार्बन से बने हुए, तो ये चैप्टर में स्टडी करने वाले कि कार्बन की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जिसके वजह से इतने सारे कंपाउंड बनाता है। हर चीज हम देख रहे हैं कि ग्लास, सॉइल और मेटल की छोड़ के सारी चीजें कार्बन से बनी हुई है, इवन हमारी बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसा भी बताया, ठीक है, मैक्सिमम चीजें सब कार्बन से बना हुआ, जो कपड़े हम यूज करते हैं, जो कुछ फाइबर्स यूज करते हैं, सारा कार्बन से बना हुआ। आगे देखें तो क्या ऐसी प्रॉपर्टीज है उसमें, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? सिक्स। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? टू को, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? फोर इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंसी क्या हो जाएगी कार्बन की? वैलेंसी इज फोर, ठीक है। तो जनरल इंफॉर्मेशन है कार्बन के बारे में। तो भी कैसे कंपाउंड बनाता है, किस तरह के बॉन्ड फॉर्म होते हैं हम देखेंगे। तो दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक होता है आयोनिक बॉन्ड और दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड किसमें फॉर्म होता है? जब दो आयन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते, जो फोर्स होता है उनके बीच में दोनों को जोड़ने वाला, उसे बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड तैयार होता है दैट इज कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। और जो शेयरिंग से होता है, दूसरे बॉन्ड को किस तरह से बनता है? एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। आयोनिक बॉन्ड क्यों तैयार हुआ? गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लेता है, तो गिव एंड टेक की वजह से आयन फॉर्म होते हैं। आयन फॉर्म में उनके बीच में फोर्स तैयार होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और आयोनिक बॉन्ड तैयार होता है। लेकिन जब कोई एटम ना तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना इलेक्ट्रॉन ले सकता, ऐसे वक्त क्या होगा? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते,
अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, और इलेक्ट्रॉन शेयर करने से जो बॉन्ड तैयार होता है दैट इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमें कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, वो सारी इस चैप्टर में पढ़ने वाले आगे दिन में। चलो तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्ड्स इन कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, तो डेफिनेशन आप नोट कर लो ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ऑल द कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एज अ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन एक्सेप्शन है, सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे बोलेंगे जिसमें कार्बन एक कंस्टिट्यूएंट है, लेकिन कुछ छोड़ के, कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बाइड सॉल्ट, कार्बोनेट सॉल्ट एंड बाइकार्बोनेट सॉल्ट, इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इनको क्या बोलेंगे हम, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर तो जो मेटल की बनी चीजें है, जो ग्लास की बनी चीजें है, मिट्टी की बनी चीजें है, इनको छोड़ के सारी चीजें जो हम घर में यूज करते हैं, दे आर मेड अप ऑफ कार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड से बोलते हैं। तो पहले क्या होता था, 200 साल पहले तक के ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली लिविंग ऑर्गेनिज्म से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आते ऐसा माना जाता, ठीक है। लेकिन बाद में कुछ सिंथेसिस हुआ, यूरिया, यूरिया कहां से बना, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना है, तो थोड़ी डेफिनेशन चेंज हो गई। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को नया नाम क्या दे दिया गया, कार्बन का कंपाउंड, ठीक है। तो कार्बन कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक्सेप्ट ये तीन चार छोड़, तो आप डेफिनेशन है नोट कर लो और एक्सेप्शन है नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बॉन्ड्स इन कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो कार्बन कंपाउंड में बॉन्ड किस तरह का होता है, तो हमने आयोनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा है। तो आयोनिक कंपाउंड कैसे बनता है, दो आयन्स के बीच में बॉन्ड बनने से, आयोनिक बॉन्ड बनने से आयोनिक कंपाउंड तैयार होता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, हमने देखा लास्ट चैप्टर में मेटलर्जी में आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, फिर दे आर दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे आर इन मोल्टन स्टेट और डिजॉल्व स्टेट। जब वो डिजॉल्व स्टेट में होते या मोल्टन स्टेट में होते तब वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, कंडक्ट करते, ये भी हमने देखा। तो हम अगर कंपेयर करेंगे कार्बन के कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड, तो देखो कुछ वहां कंपेरिजन दिया है, कुछ कंपाउंड आपको दिए कार्बन के, एक मीथेन दिया है CH4, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है -180, बॉइलिंग पॉइंट कितना है -162, ठीक है। ये टेबल आपको देखना है, तो टेबल में क्या दिया है, कंपैरिजन दिया है कुछ कार्बन के कंपाउंड्स है और उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। अब ये ऑब्जर्व करो, ये जो कार्बन के कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट माइनस में है, माइनस का मतलब क्या होता है, लो, बहुत कम है मेल्टिंग पॉइंट। आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, एकदम हाई होता था, और जो कार्बन के कंपाउंड है उसके मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, लो है। इससे में क्या पता चलता है कि कार्बन के जो कंपाउंड है इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है और आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन से हम एक्सप्लेन करते थे किस तरह का बॉन्ड है उनके बीच, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से हाई एनर्जी लगती है उनको सेपरेट करने के लिए एटम्स को, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आयोनिक कंपाउंड का ज्यादा होता है, ठीक है। और कार्बन कंपाउंड का हमने देखे, मीथेन का है -183 मेल्टिंग पॉइंट, इथेनॉल का है -170, क्लोरोफॉर्म का है -64 और एसिटिक एसिड का है 17 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट इतना लो है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनको लो एनर्जी लगती है सेपरेट करने के लिए। आगे दिन में हाई एनर्जी लग रही है इसलिए हाई हीट हमें सप्लाई कर रहा है, मतलब हाई टेम्परेचर देना पड़े तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, इसका मतलब क्या होगा, ये बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं होगा, समझ में आ गया। मतलब ये बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड तो नहीं हो सकता, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड रहेगा तो स्ट्रांग रहेगा, तो स्ट्रांग बॉन्ड रहेगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, जैसा कि आयोनिक कंपाउंड में देखना। लेकिन यहाँ कार्बन के कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ आयोनिक बॉन्ड नहीं हो सकता। आगे दिन में फिर हम इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रिक कंडक्शन करता है यानी, तो हमने लास्ट ईयर कुछ एग्जांपल देखी कि यूरिया एक कार्बन का कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या ग्लूकोज, ग्लूकोज सबको मालूम है, ठीक है। तो ग्लूकोज को सॉल्यूशन करेंगे और उसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा, या यूरिया का सॉल्यूशन बना के उसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कंडक्शन नहीं होगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन के जो कंपाउंड्स है इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। अब इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए क्या चाहिए, हमें आयंस की जरूरत है, पॉजिटिव निगेटिव आयंस होना चाहिए तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, चार्जेस का फ्लो होगा। आगे दिन में अब यहां आयंस प्रोड्यूस नहीं हो रहे, इसका मतलब ये जो बॉन्ड बन रहा है
कार्बन और बाकी एटम्स के बीच में जो कार्बन कंपाउंड में जो बॉन्ड बन रहा है ये क्या होगा, आयोनिक नहीं होगा, क्योंकि आयन्स के बीच में नहीं बनेगा। आयोनिक बॉन्ड होगा तो आयन्स में डिसोसिएट होता है अगर उसको डिजोल्व करे तो सोल्यूशन में, लेकिन यहां नहीं हो रहा, आयन्स है ही नहीं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये जो बॉन्ड है कार्बन के बीच में और अदर एटम में बनने वाला ये आयोनिक बॉन्ड नहीं होगा। तो फिर कौन सा बॉन्ड होगा, तो कौन सा बॉन्ड होगा, वो कोवेलेंट बॉन्ड। आगे देन में तो कंपैरिजन यहां दिया है कि आयोनिक बॉन्ड मेल्टिंग पॉइंट अगर हम स्टडी करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट स्टडी करते हैं, तो हमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आयोनिक कंपाउंड से लो मिलता है, इसका मतलब यहाँ आयोनिक बॉन्ड नहीं होगा। दूसरा और हमें पता चलता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर हम देखेंगे तो आयोनिक कंपाउंड में जो मोल्टन स्टेट में होता है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन के कंपाउंड है लाइक ग्लूकोज और यूरिया अगर हमने उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करके देखेंगे मोल्टन स्टेट में या डिजॉल्व स्टेट में, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। इसका मतलब कार्बन के कंपाउंड में आयन फॉर्मेशन नहीं होता, ये आयन में डिसोसिएट नहीं होता। आगे देन में अभी देखो कैन यू टेल में दिया कुछ क्वेश्चन आपको पूछा, व्हाट इज मीन बाय अ केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, बॉन्ड है पर ये फोर्स होता है, इट इज अ फोर्स दैट हेल्ड्स टू एटम्स टूगेदर। ठीक है, दो एटम दो एटम को जोड़ने वाला जो फोर्स होता है दैट फोर्स इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। ठीक है, अगर वो दो आयन के बीच में है तो आयन के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, दैट फोर्स इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। और जब आयन्स नहीं होते, जब जस्ट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो फोर्स होता है दो एटम में, दैट फोर्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड जनरल नेम इज केमिकल बॉन्ड। फिर बॉन्ड दो तरह के होते हैं, एक तो आयोनिक बॉन्ड होगा या कोवेलेंट बॉन्ड, समझ में आ गया। तो बॉन्ड यानी क्या, इट इज अ फोर्स बिटवीन एटम्स व्हिच हेल्प्स टू एटम्स टुगेदर। ठीक है, जो फोर्स होता है दो एटम के बीच में, जिस फोर्स के वजह से दोनों एटम एक दूसरे से जुड़े होते हैं, दैट फोर्स इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स दैट एन एटम ऑफ एन एलिमेंट फॉर्म्स बॉन्ड। ठीक है, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स दैट एन एटम ऑफ एन एलिमेंट फॉर्म्स बॉन्ड, उसे क्या बोलते हैं। तो जितने नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड बनाता है एक एलिमेंट, एक एटम एलिमेंट का, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज वैलेंसी। वैलेंसी यानी क्या होता है, जितने बॉन्ड बना सकता है, जितनी कैपेसिटी उसकी बॉन्ड बनाने की, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, अगर एक बॉन्ड बनाता है दूसरे एटम के साथ में तो दैट इज कॉल्ड वन वैलेंसी हो जाएगी, अगर टू बॉन्ड बना रहा है तो टू वैलेंसी हो जाएगी। तो कितने कंबाइनिंग कैपेसिटी, दैट वी कॉल्ड कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। तो कौन से दो टाइप्स, एक आयोनिक बॉन्ड और दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां से तो क्लियर हो गया कि कार्बन कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड नहीं। अभी क्यों कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता, आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं होता, ये हम पढ़ेंगे आगे, समझ में आ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी रिएक्शन होती है, जब भी कोई एटम दूसरे एटम के साथ रिएक्शन करता है तो कब करता है, जब उसके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट ना हो या ऑक्टेट पूरा ना हो। अगर आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट पूरा है, कंप्लीट है शेल, तो कभी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, लाइक इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस जिसे बोलते हैं, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल पूरी कंप्लीट। ठीक है, अब उसके लिए हमें क्या चाहिए, हम देखेंगे कि अभी कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, उसकी वैलेंसी क्या है, उसी से हमें पता चलेगा कि आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता और कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से बनाता। तो कार्बन, तो कार्बन का सिंबल क्या है, सी, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, सिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टू फोर, वैलेंसी क्या हो गई, वैलेंसी फोर। अब देखो ये इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, फोर। तो हमेशा एटम क्या करता है, उसका जो नियर बाय होता है, उसके पास वाला जो नोबेल गैस होती है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अटेंड करने की कोशिश करता है। आगे देन उसके जो भी नियर में नोबेल गैस होगा, उस नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने का वो कोशिश करता है। तो यहां पर सबसे नियर कौन है, कार्बन के कौन है, नियॉन। ठीक है, तो नियॉन का
एटॉमिक नंबर है 10 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2s, मतलब आउटर मोस्ट शेल इसकी क्या है कंप्लीट है। तो ये जो कार्बन है ये भी क्या करेगा, ये जो नियॉन है नोबेल गैस है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, मतलब ये भी क्या करेगा अपने आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करेगा। यहाँ 8 है इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है तो ये भी क्या करेगा ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करेगा। अब देखो यहाँ ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसे क्या चाहिए, अब यही एक रीजन होता है कोई भी एटम दूसरे के साथ रिएक्शन करने के पीछे, ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं उसको, ड्राइविंग फोर्स है ना जो मेन चीज है किसी चीज को करवाने के पीछे। अब रिएक्शन करना है कार्बन के एटम को दूसरे के साथ तो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा ड्राइविंग फोर्स है, क्या मेन चीज है रिस्पॉन्सिबल, ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स। आगे जानिए तो हर एटम क्या चाहता है उसके नियर बाय जो नोबल गैस है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर, मतलब अपना आउटर मोस्ट शेल को क्या करे एक तो कंप्लीट हो जाए या ऑक्टेट पूरा हो जाए, ये कोशिश करता है। और ये कोशिश करने के लिए अलग अलग तरीके से वो तो थ्री वेज होते आगे दिन में, तो तीन तरीके होते हैं कि ये ऑक्टेट पूरा करे आगे दिन में। अब वो तीन तरीके क्या है वो हम देखेंगे। तो पहला तरीका नंबर वन पढ़ो, ठीक है, तो थ्री वेज है कार्बन के पास, तीन तरीके हो सकते वेज है, ठीक है, थ्री वेज हो सकते किसी भी एटम को अगर ऑक्टेट पूरा करना, ठीक है, ऑक्टेट पूरा करना मतलब आउटर मोस्ट शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसे बोलते हैं ऑक्टेट, या फिर उस शेल की कैपेसिटी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके नियर बाय जो भी नोबल गैस होता है उसका कॉन्फिगरेशन अटेंड करने की कोशिश करता है। अब यहां देखो टू शेल्स है, टू पहली शेल में होगा दूसरी शेल में 8, तो यहां भी टू शेल्स है और आखिरी के शेल में या लास्ट शेल में कितने वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कार्बन क्या चाहेगा यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। अब एक 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के लिए क्या क्या चीजें हो सकती है, हमने देखा कि एक तो इलेक्ट्रॉन कोई एटम लूज कर सकता है या इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, ये तीन वेज होते हैं हर एटम के पास में ऑक्टेट पूरा करने के। अब तीन में से कौन सा वे वो अपनाएगा ये डिपेंड करता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही डिपेंड होता है। अब देखो यहां तो पहला तरीका क्या है कार्बन के पास कि अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन है इसको लूज कर दे, एक तरीका होगा अगर 4 इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से लूज अगर करता है तो क्या होगा 1 by 1 वो लूज करेगा, अगर मान लो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता कार्बन, अब मान लो ये कार्बन एटम है ये पहली शेल हो गई और ये दूसरी शेल, ठीक है, अब यहां 1 इलेक्ट्रॉन है ये दूसरा हो गया 4 इलेक्ट्रॉन है, अब मान लो 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने लूज कर दिया, लूज करना मतलब छोड़ दिया 1 by 1 करना, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या होगा C+ चार्ज बन जाएगा। तो जब भी एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो निगेटिव चार्ज कम हो गया तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का पहले जब एटम न्यूट्रल होता है तो दोनों चार्ज सेम होते हैं, ठीक है, ये जो एटम है C6 ठीक है 2, 4, 6 यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो 6 प्रोटॉन भी है, ठीक है, यहां पर भी प्रोटॉन कितने इनिशियली 6 और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 6 है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 5, मतलब निगेटिव चार्ज कम हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, तो कितने से ज्यादा होगा पॉजिटिव चार्ज 1 से ज्यादा, तो C+ आयन तैयार होगा, ठीक है। मान लो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी अगर लूज कर देता है तो क्या हो जाएगा C2+ C+ या 2+, अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन भी लूज कर देता है तो क्या हो जाएगा C3+ और फोर्थ इलेक्ट्रॉन भी, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा इसे, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने का तरीका अगर अपनाता, ठीक है, तो पहला वे बाय लूजिंग 1 after another ऑल द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये एक तरीका हो सकता है। तीन तरीके मैंने बताए, तो इलेक्ट्रॉन लूज करना, इलेक्ट्रॉन गेन करना या शेयर करना, तो हम पहला तरीका देख रहे हैं कि मान लो कार्बन अगर अपने इलेक्ट्रॉन सारे लूज कर देता तो क्या होगा, तो अगर सारे इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर देता तो कार्बन के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा C+4 चार्ज हो जाएगा। लेकिन यहां हमेशा हमें ध्यान में रखना है इन दिस मेथड नेट पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो नेट पॉजिटिव चार्ज क्या होगा 1 by 1 जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा गोज ऑन इंक्रीजिंग, पहले C+ था तो निकाल दिए तो C2+ हो गया, फिर और बढ़ गया तो नेट पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जा रहा, तो नेट पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज में क्या हो जाएगा इनबैलेंस हो जाएगा, अगर धन में उतना ही निगेटिव चार्ज कम होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो पहले क्या था 6
फाइव हो गए, दो इलेक्ट्रॉन चले गए तो फोर, थ्री इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो थ्री, और फोर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो सिर्फ टू, मतलब निगेटिव चार्ज सिर्फ टू इलेक्ट्रॉन से बच गया और इधर ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएंगे। आगे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज में इम्बेलेंसिंग बढ़ते जाए। आगे धरने देयरफॉर टू लूज द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड विच मेक्स द टास्क मोर डिफिकल्ट। अब इतनी ज्यादा एनर्जी इसके पास नहीं होती। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो गया, फोर पॉजिटिव चार्ज है। आगे देन अब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया यहां पर, निगेटिव चार्ज क्या है बहुत ही कम है। दूसरा एक कारण उसमें होता है सी फोर प्लस कैटायन दैट वुड अल्टीमेटली फॉर्म इन दिस प्रोसेस बिकम्स अनस्टेबल इन स्पाइट ऑफ इट्स नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बिकॉज इट हैज अ स्मॉल साइज विथ हाई नेट चार्ज। आगे देन अब ये जो नया एटम तैयार हो गया सी फोर प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला, तो क्या हो जाएगा बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इसमें आ गए तो अनस्टेबल हो जाएगा ये एटम, क्या हो जाएगा अनस्टेबल, इसका साइज छोटा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसका शेल एक तो इसी कम हो जाएगी, फोर इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो दो शेल में से क्या होगी एक ही शेल बच गई, तो उसका साइज कम हो गया और अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या होता है न्यूक्लियस में होता ठीक है, और निगेटिव चार्ज क्या होता है सराउंडिंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। अब ऑलरेडी शेयर भी कम हो गई तो साइज एटम का कम हो गया और पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो इस वजह से क्या हो जाएगा एटम क्या होगा अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबल हो जाएगा तो मतलब ही नहीं, वो तो स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अटेंड करने की कोशिश कर रहा ठीक है, भले ही वो नियर बाय नोबल गैस का अटेंड कर ले उसकी फर्स्ट शेल कंप्लीट हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन शेल कंप्लीट हो जाएगी लेकिन एटम क्या हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा। आगे देन दूसरा चीज होता है कि जब इलेक्ट्रॉन वन बाय वन लूज कर रहा है तो कंटिन्यूअसली पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, तो इसके बाद में और ज्यादा लूज करने की कैपेसिटी नहीं रहती इसके पास, आगे देन में और ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन और ज्यादा लूज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी इसको चाहिए। आगे देन में तो बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी और इतनी एनर्जी एटम के पास होती नहीं कि और ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर सके वन बाय वन जब आता है, तो वन इलेक्ट्रॉन लूज किया वन पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, टू इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एक से ज्यादा जब दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो वैसी एनर्जी उसको ज्यादा लग रही, फिर और एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज करना है तो और ज्यादा एनर्जी लगेगी, और फोर्थ इलेक्ट्रॉन लूज करने तक तो इतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी कि उतनी एनर्जी वो एटम के पास नहीं होती कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन लूज कर सके, समझ में आ रहा है। तो ये सोच क्योंकि क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करता है पॉजिटिव चार्ज यहां पर इंक्रीज होते जा रहा है। अगर देन में अब ये पॉजिटिव चार्ज यहां इंक्रीज हो रहा है, अब एक ठीक है एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वन पॉजिटिव चार्ज है ठीक है, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो टू पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ठीक है। तो यहां से टू से थ्री पर जाने था ठीक है, थ्री इलेक्ट्रॉन तक भी एनर्जी वो संभाल लेगा लेकिन फोर्थ इलेक्ट्रॉन लूज करने की एनर्जी उसके पास नहीं है, इसलिए ये तरीका है कार्बन नहीं अपनाए, समझ में आ गया, ये तरीका कार्बन नहीं अपनाता, देयरफॉर कार्बन एटम डज नॉट टेक दिस रूट टू अटेन अ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, इसलिए कार्बन कभी भी बाय लूजिंग वन आफ्टर अनदर इलेक्ट्रॉन ये वाला जो वे है वो नहीं अपना। तो क्लियर हो गया कि कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं देगा, लूज नहीं करेगा। अब हम सेकंड वे देखेंगे, दूसरा तरीका क्या होगा एक्सेप्टिंग का, ठीक है। तो सेकंड वे क्या है कार्बन के पास, बाय एक्सेप्टिंग वन बाय वन ऑल द फोर इलेक्ट्रॉन्स ठीक है। पहला वे हमने देखा कि वन बाय वन सारे इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो एक तरीका हो सकता लेकिन वो नहीं कर पाता, क्यों नहीं कर पाता क्योंकि वन बाय वन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएगा, और ठीक है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज कर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए मोर एनर्जी उसको लगेगी ठीक है। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन मतलब फोर्थ इलेक्ट्रॉन लूज करना उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और डिफिकल्ट हो जाएगा। दूसरा चीज उतना जो चार्ज बढ़ेगा पॉजिटिव चार्ज ठीक है, एक तो शेल कम हो जाएगी, एटम का साइज कम हो जाएगा और
नेट चार्ज उसके ऊपर बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से एटम क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। अब दूसरा तरीका होता है, चलो लूज नहीं करेगा तो गेन करेगा या एक्सेप्ट करेगा। सो बाय एक्सेप्टिंग वन बाय वन ऑल फोर इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, अब अगर वो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या होगा, अगर वन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ये फिर से हमारा कार्बन एटम है, फर्स्ट शेल सेकंड शेल। अब एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लिया इसने, अब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से क्या होगा, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, सी माइनस। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया तो सी टू माइनस। इस तरह से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कितने उसको इलेक्ट्रॉन गेन करना, फोर। अगर पूरा ऑक्टेट कंप्लीट करना तो कितने इलेक्ट्रॉन उसको गेन करना पड़ेगा, फोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वन बाय वन क्या होगा, निगेटिव चार्ज जब बढ़ते जाए तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा और निगेटिव चार्ज बढ़ते जाएगा। अब क्या होगा, ऑलरेडी वन निगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, सी माइनस आयन तैयार हो गया। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेता है दो तो सी टू माइनस हो जाएगा। अगर मान लो थ्री इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो सी थ्री माइनस हो जाएगा। अब देखो ये निगेटिव चार्ज बढ़ते जा रहा है और अगर इलेक्ट्रॉन को फिर से लेना है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या है, निगेटिव ही है ऑलरेडी, ये एटम अभी निगेटिव चार्ज वाला हो गया और ऊपर से और निगेटिव चार्ज लाना है तो क्या होगा, सेम चार्जेस में क्या होता है, रिपल्शन होगा। ठीक है, सेम चार्जेस में क्या होता है, रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो एक्सेप्ट करने के लिए भी बहुत हाई एनर्जी लगेगी इसको। जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा लेने का, तो वन बाय वन जो एनर्जी चाहिए एक्सेप्ट करने के लिए वो भी बढ़ती जाएगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी निगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा, और एक निगेटिव चार्ज को लेना तो निगेटिव निगेटिव चार्ज में क्या होता है, रिपल्शन होता, तो वो तो पहले दूर फेंकने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना था, एक्सेप्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम होना पड़ेगा। आगे ध्यान में, मतलब ज्यादा एनर्जी उस एटम को लगेगी एक इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट करने के लिए। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करते जाएगा, नेट निगेटिव चार्ज इसके ऊपर इंक्रीज होते जाएगा एटम के ऊपर, और एक रिपल्सिव फोर्स तैयार होगा जिसकी वजह से नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो लेने की इसकी एनर्जी बहुत हाई एनर्जी लगेगी और नहीं ले पाएगा। ठीक है, डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा इसके, जैसे उसमें भी हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं कर सकता, उसमें भी हाई एनर्जी लगेगी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज करना है, वैसे यहां नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर लेना है तो बहुत हाई एनर्जी की जरूरत होगी, जो कि इसके पास उतनी एनर्जी लेवल नहीं होगी। दूसरा और क्या होगा, सिमिलरली सी फोर, अगर फोर इलेक्ट्रॉन मान लो ये लूज करने की कोशिश करता है, करता है तो सी फोर माइनस, इतना बड़ा निगेटिव चार्ज यहां पर तैयार हो जाएगा और फिर से एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, नेट चार्ज इसके ऊपर बहुत ज्यादा हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। जनरली एटम स्टेबल कब होता है, स्टेबल कब रहता है वो, ठीक है आउटर मोस्ट शेल तो ठीक है, लेकिन स्टेबल जनरली इलेक्ट्रिकली स्टेबल कब होता है वो, जब दोनों भी सेम है, इक्वल है, न्यूट्रल होता है तब। और ये चार्जेस जब कम ज्यादा हो जाएंगे तो जितना नेट चार्ज उसके ऊपर बढ़ेगा या तो पॉजिटिव या निगेटिव, जो चार्ज ज्यादा होगा तो इस तरह से, अगर डिफरेंस ज्यादा हो गया दोनों चार्जेस में, पॉजिटिव और निगेटिव में, तो ये क्या हो जाएगा, एटम अनस्टेबल हो जाएगा। तो हमें अनस्टेबल नहीं चाहिए, रिएक्शन किस लिए करता है, एटम स्टेबल होने के लिए, तो ये तो अनस्टेबल हो जाएगी अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो, एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए कार्बन ये तरीका भी नहीं अपनाएगा क्योंकि इसमें भी वो अनस्टेबल बन रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी उसको रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो ये तरीका भी कार्बन नहीं अपनाएगा, मतलब बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन ये तरीके से भी अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अटेंड नहीं करेगा हो, और बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भी कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा नहीं कर सकता, नियर बाय नोबल गैस अटेंड नहीं कर सकता। ठीक है, दो ऑप्शन है उसके पास, एक हीलियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 2। तो हमने पहले देखा अगर ये चारों इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अटेंड करता है, और अगर यहाँ फोर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसका कर सकता है, कर तो लेगा लेकिन एटम ही स्टेबल नहीं होगा अगर करेगा। ठीक है, इसलिए दोनों भी तरीके ये कार्बन नहीं अपना। तो फिर कौन सा तरीका, एक ही तरीका बचा, कौन सा, शेयरिंग। तो हम देखेंगे थर्ड। ठीक है, तो थर्ड वे क्या होता है, दो वे हमने देखा, लूजिंग से भी कार्बन वो वे अपना, वो वे नहीं अपनाता कार्बन एटम, और एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन वो भी वे नहीं अपनाता। फिर थर्ड वे क्या आता है, तो बाय शेयरिंग फोर इलेक्ट्रॉन ऑन वैलेंस शेल, वैलेंस शेल के फोर इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा किसके साथ, विद फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर एटम, तो दूसरे एटम के साथ
ये कार्बन क्या करता है, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले। तो ये शेयरिंग कैसे होती है, तो ये कार्बन का एटम, ठीक है, इसकी जो वैलेंस शेल है, इसकी वैलेंस शेल जो दूसरा एटम है उसकी वैलेंस शेल के साथ ओवरलैप हो जाती है। ओवरलैप होना मतलब एक के ऊपर एक आ जाए, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयर कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। आगे चलने, तो इस तरह से यार ना तो आयन फॉर्मेशन होता है, ना कोई चार्जेस फॉर्मेशन होता है, यहां सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ, दोनों भी एटम क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं आउटर मोशन में। तो दोनों भी एटम अपना नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर लेते हैं, मतलब दोनों को अपडेट पूरा हो जाता है, दोनों भी एटम, दोनों भी अलग अलग जो एटम है एलिमेंट के एटम्स, वो क्या हो जाते हैं, यहां स्टेबल हो जाते हैं आगे दिन में, और किसी तरह का चार्ज डेवलप नहीं होता। अब देखो कैसे होता, फॉर एग्जाम्पल अब ये कार्बन है जो फर्स्ट शेल होगी और ये सेकंड शेल जो कि आउटर मोशन है, तो वन इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन, थ्री इलेक्ट्रॉन एंड फोर इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, अब ये शेयरिंग कैसे होगी, तो मान लो हाइड्रोजन गैस, अगर कार्बन के साथ में हमने हाइड्रोजन गैस अगर मिक्स कर दिया, हाइड्रोजन गैस पास कर दिया, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, वन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वन, क्योंकि एटॉमिक नंबर उसका वन है, मतलब इसकी एक ही शेल है और एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में वन इलेक्ट्रॉन है, इसे कितने की जरूरत है, एक की जरूरत है, दो करना, पहली शेल की कैपेसिटी कितनी है, टू, इसका नियरेस्ट कौन सा है, हीलियम नोबेल गैस, तो इसका कॉन्फिगरेशन अटेंड करने की कोशिश करेगा हाइड्रोजन, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इसकी शेल के साथ ही इसकी शेल ओवरलैप हो जाएगी। आगे दिन में ये किसकी शेल है, हाइड्रोजन आउटर मोशन, और यहां इसका इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गया। अब देखो ये ओवरलैप, ये होगी शेल आउटर मोशन किसकी, कार्बन की, और ये वैलेंस शेल किसकी होगी, हाइड्रोजन, तो दोनों शेयर ओवरलैप हो जाएंगे, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएंगे, दोनों एटम में शेयर हो जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन, अब ये दोनों शेयर ओवरलैप होने से क्या हो जाएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए और दो इलेक्ट्रॉन इसको भी मिल गए, तो ये दो इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अच्छी हो गया, जो नियरेस्ट नोबेल गैस है मतलब ऑक्टेट पूरा हो गया उसका, ठीक है, टू जो इलेक्ट्रॉन होना था उसके पूरे हो गए, तो ये स्टेबल हो गया हाइड्रोजन, और साथ में कार्बन को भी एक एटम मिल गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन मिल गया, वन टू थ्री, और ये दो कितने हो गए, फाइव हो गए। अब कार्बन को और कितने चाहिए, थ्री की जरूरत, तो दूसरा एटम आएगा हाइड्रोजन का, इधर ओवरलैप कर लेगा, तो ये भी हाइड्रोजन एटम स्टेबल हो जाएगा, इसको भी अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूरा हो गया इसका, और यहाँ कार्बन को कितने हो गए, अभी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अभी कितनी जरूरत है, दो की जरूरत, फिर से एक हाइड्रोजन का एटम आएगा शेयरिंग कर लेगा, ठीक है, अब कितने हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, अब एक की जरूरत, फिर एक हाइड्रोजन एटम आएगा, और यहां कोई आयन फॉर्मेशन नहीं होता, कोई अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा है, कोई गेन नहीं करना, सिर्फ क्या कर रहा है कि एक कार्बन का एटम फोर हाइड्रोजन एटम के साथ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, और शेयरिंग से क्या हो गया, अब कार्बन को देखो मिल गए एक, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए, एट इलेक्ट्रॉन्स, और हर एक हाइड्रोजन टू टू इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो क्या बन जाता है इससे नया कंपाउंड, सी एच फोर, कार्बन एक और कितने हाइड्रोजन, फोर, तो इस तरह से फार्मूला भी तैयार होता है, तो एक कार्बन चार हाइड्रोजन के साथ इस तरह से शेयरिंग कर लेता है, तो दिस इज नोन एज, तो ये जो बॉन्ड तैयार होता है शेयरिंग की वजह से दो इलेक्ट्रॉन के बीच में, अब यहां दो इलेक्ट्रॉन जो शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, इसके बीच में क्या होता है, फोर्स तैयार होता है जो कि इसको बाइंड करके रखता है, हेल्ड करके रखता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने वाला, तो ये जो बॉन्ड है दो इलेक्ट्रॉन के बीच में शेयरिंग की वजह से बनने वाला बॉन्ड, इसे क्या बोलते हैं हम, कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखो आपकी बुक में डेफिनेशन दिया है, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां पर एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, दिस इज ऑल्सो कोवेलेंट बॉन्ड एंड दिस इज ऑल्सो कोवेलेंट बॉन्ड। तो दो एटम्स, दो एटम कौन से, कार्बन का है हाइड्रोजन का, तो दो एटम के बीच में, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड तैयार हुआ, दो इलेक्ट्रॉन एक पेयर, आगे दर में, तो दो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग में दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बॉन्ड तैयार होता है दैट इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। तो जितने भी कार्बन के कंपाउंड है ये कौन सा, तो ये तरीका अपनाते हैं कार्बन के कंपाउंड, क्योंकि कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता,
4 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ते हैं उसको, उतनी उसके पास एनर्जी नहीं होती है, अनस्टेबल हो जाएगा। उसी तरह से 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन भी नहीं कर सकता, एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि फिर से उतना है, ठीक है, वन बाय वन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए उतनी एनर्जी नहीं होती है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की, और अनस्टेबल हो जाएगा अगर उतने इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है तो इसलिए एक ही तरीका होता है कार्बन के पास कि वो दूसरे एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड तैयार होता है, कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कार्बन कौन से बॉन्ड तैयार करता है, कोवैलेंट बॉन्ड तैयार करता है अदर एटम के साथ, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख लेंगे हम कोवैलेंट बॉन्ड के, ठीक है, हमने देखा कि कार्बन एटम सिर्फ शेयरिंग से ही बॉन्ड बना सकते हैं, गिव एंड टेक से वो बॉन्ड नहीं बना सकते। The chemical bond formed by sharing of two valence electron between the two atoms is called covalent bond. तो ये शेयरिंग से जो बॉन्ड तैयार होता है दो एटम के बीच में, इलेक्ट्रॉन में जो शेयरिंग होती है दो इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, तो शेयरिंग करके जो बॉन्ड होता है दैट बॉन्ड इज नोन एज covalent bond. तो कार्बन covalent bond बनता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरह से covalent bond के टाइप्स क्या है, कितने टाइप होते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो कल पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल देखेंगे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और CH4 कैसे तैयार हुआ है कोवैलेंट बॉन्ड से, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आज देख लो आप।